हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का ढोकला, जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और फटाफट भी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं मूंग दाल ली हूँ, इस कटोरी से एक कटोरी ली थी मैं, और इसे रात में हम गला दिए थे। और इसी कटोरी में मैं आधे से थोड़ा सा कम चने की दाल ली थी। तो इसे अच्छे से हम साफ़ कर लिए हैं और इसे हम पीसेंगे। तो इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्च डाल दी हूँ और इसका एक हम पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इसमें। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें हम डालेंगे नमक के बाद थोड़ा सा हल्दी, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसे अब हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें और कुछ हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहले ही डाल दिए थे अदरक लहसुन। और इसे हम अच्छे से अब मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे ईनो। तो ये एक पैकेट में ईनो ली हूँ और इसे मैं डाल के हल्के हाथ से हमें इसे घुमाना है, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, बस थोड़ा ईनो मिल जाए ऐसा मिलाना है। और इसको मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, किसी भी ढोकले का जो स्टैंड होता है, सांचा होता है, उसमें हम तेल लगा के और इसको घोल को डाल देंगे, जो पेस्ट है। तो इसको हम डाल देंगे अच्छे से और फैला देंगे चारों तरफ से स्पून से। तो ये देखिए हो गया। इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसा थपथपा देंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तो अब ये इधर हम पानी चढ़ा दिए थे, तो पानी हमारा गर्म हो गया है। तो पता नहीं, वो मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, बट ये मैं डाल दी थी उसमें, और ये मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दी थी। तो ये देखिए हमारा जो ढोकला है वो रेडी हो गया है। चाकू से मैंने देख लिया था, चाकू साफ़ था। और इसको हम ठंडा होने के बाद चारों तरफ साइड से ऐसा कट करेंगे, निकालेंगे, और इसमें पीसेस हम कट करेंगे। तो आप देख रहे हो कितना स्पॉन्जी बना है ढोकला हमारा। तो हल्का सा गर्म है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, ये देखिए आप कितना स्पॉन्जी बना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, मतलब तड़का लगाएंगे इसमें। तो इधर हम पैन लिए हैं, इसमें हम 1 से 2 स्पून ऑयल डाले हैं, और इसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ मैं, 2 बीच से कट करके डाल दी थी। और इसमें हम राई डाल देंगे 1 स्पून, और इसमें मैं तिल डालूंगी, जो सफ़ेद वाली तिल होती है उसको डाल के थोड़ा सा हम इसको तड़कने देंगे, जिसे भुन जाए हमारा। इसमें आप कढ़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास हो तो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने डाली। और ये सारे पीसेस ढोकले हैं हम सारे डाल देंगे इस पैन में, और थोड़ा सा हम सेकने देंगे गोल्डन कलर होने तक। तो और फिर उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो ये आप देख रहे हो एक साइड कलर हमारा आ गया है, गोल्डन कलर हो गया, सेक गया है। तो ये हमारा जो ढोकला है फ्रेंड्स, वो रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर जो होता है उसको मैं ऊपर से ऐसा डाल दी हूँ, जिससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट में भी। और इसमें हरा धनिया हम लास्ट में डाल देंगे, और इसे अब हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा बना है, तो आप भी ट्राई करो। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।